वापिस आकर उसे सब कुछ हानिया और लारेब को बताया, जो कुछ भी वहां हुआ था। ये वो खतरनाक था, तुम जिंदा कैसे लौट आई? मैं तो तब से यही सोच रही हूँ। आने जो मूवी देख रही थी उसे वो स्टॉप करके उससे पूछा, जो मूवी कम और अपने लब ज्यादा चबा रही थी। वो तीनों अक्सर जब भी परेशान होती तो मिलकर फनी मूवी देखती। जो भी है खतरनाक को छोड़ो, तुमने बोला था वो हैंडसम भी है, लारेब ने शोक लहजे में कहा। हाँ इतना हैंडसम था कि बेचारे उससे 20 सवाल भी नहीं पूछ पाई, आने ने हीर को छेड़ते हुए कहका लगाया, जिस पर उन दोनों को खुरकर रह गई। यार मेरी जिंदगी दोराहे पर लगी है और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है, वो परेशानी से अपना सर पकड़ते हुए बोली। रिलैक्स यार, कल वापस जाकर अपना इंटरव्यू मुकम्मल कर लेना, लारेब ने संजीदगी से कहा। पागल पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी शदीद नफरत है अपनी जिंदगी से? लेकिन हीर तुम्हें जाना ही होगा, आनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगी, जहन्नुम में जाए सारे सवालात। हाँ और जहन्नुम में जाए तुम्हारा डिप्लोमा भी, लारेब भी तुर्की बातुर्की बोली। आई हेट द फैक्ट दैट यू आर राइट। गुड, मैं नहीं चाहती कि इंटरव्यू के चक्कर में तुम अपना फ्यूचर खराब करो, उसके बाल खराब करते हुए बोली। हीर बस जाओ, सवाल करो, जवाब लो, सिक्योरिटी गार्ड्स उधर ही होंगे, बस अपना इंटरव्यू मुकम्मल करके निकल आओ, सिंपल। आनिया ने उसे पुश से हक करते हुए कहा। सही कह रही हो, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सवाए वापस जाने के, वो लंबा सांस खींचते हुए बोली। अब रिलैक्स हो जाओ और मूवी पर फोकस करो, लारेब ने मूवी वापस से प्ले करते हुए बोला। तो ना चाहते हुए भी वो मूवी को देखने लगी, मगर उसके सोचे पार पार गोल्डन ब्लूइश आंखों पर रुकने लगी। अपने अंदर तमाम हिम्मत जमा करके वो वापस से सेंट्रल जेल में आई और उसी कमरे में जाकर वर्नैडो का इंतज़ार करने लगी, जहाँ वो उससे लास्ट बार मिली थी। आज उससे खुद को अच्छे से समझाया था कि वो उसके सामने अपने इमोशंस वास्या नहीं होने देगी, खास करके अपने डर को। तभी दरवाज़ा खुला और वो आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो आखिरी दफ़ा बैठा था। उसकी मौजूदगी से ही हीर की जान अलग तक आ गई, मगर वो स्ट्रांगली वहीं बैठी रही। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्नैडो, उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो आज भी वो उससे कोल्ड ही लगा। मैंने सोचा नहीं था तुम वापस आओगी, थोड़ी देर बाद उसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करनी है, क्या हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से छोड़ा था, वो मजबूत लहजे में बोली, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके मैं इसे आपकी हाँ समझ लेती हूँ, वो सुकून से बोली, मगर उसकी धड़कनें खौफ से बेकाबू होने लगी। क्या तुम बता सकते हो तुमने कितने लोगों का कत्ल किया है? याद नहीं तादाद, उसके जवाब पर हीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी और उसने अपनी नोटबुक पर जवाब लिखा। अफवाहें कहती हैं कि तुम रेसिस्ट हो, क्या ये सच है? ये सवाल पूछते हुए उसका पूरा वजूद कपकपाया, मगर उससे अपने चेहरे पर खौफ को नुमाया नहीं होने दिया। इफ आई वॉज अ रेसिस्ट यू वुड बी डेड, ओ मेरे खुदाया, उसके जवाब पर हीर ने खांसते हुए कहा, क्योंकि अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें ही थम गई हों, मगर जल्द ही वो खुद पर काबू कर गई। ओके उसके बाद उससे जो लिस्ट में मौजूद तमाम सवाल एक एक करके पूछ लिए। इंटरव्यू मुकम्मल होते ही उसका दिल खुशी से झूमने लगा। तो तुम्हारा इंटरव्यू मुकम्मल हो गया? यस फाइनली, उसके पूछने पर हीर ने फखरिया कहा। ओके अब मेरी बारी, वो जो अपनी चीजें समेट रही थी उसके अल्फाज पर उसके हाथ थमे। तुम्हारी बारी मतलब? मेरी बारी तुमसे सवाल पूछने की, हीर को लगा एक बार वापस से किसी ने उसकी चलती धड़कनों को रोक दिया हो। क्या? मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, उसने उसे वार्न किया जिस पर वो उसे सांस रोके देखने लगी। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि मेरा यहाँ कितना अरसा रुकने का इरादा है, उसे टोकते हुए जज्बात से आली आवाज से पूछने लगा। वो ये सवाल लिस्ट में नहीं था, वो लरस्सी आवाज से बोली। पूछो, वो संजीदगी से बोला। तुम्हें यहाँ कितने अरसे की सजा हुई है, वो कब पाते हुए पूछने लगी। मौत ही मेरी रिहाई है। ओहो क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ काटूंगा, वो परेशानी और हैरत से उसके सवाल पर गौर करने लगी। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वो अपने हाथों में मौजूद जंजीरों से खेलते हुए आम से लहजे में बोला। हीर को प्रॉपरली सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, उससे डरते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ये जानो, तुम जानती हो यहाँ मेरे बहुत से सोर्सेस हैं। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, वो गुस्से से बोली और साथ ही उसे कुर्सी से उठना चाहा, लेकिन सामने बैठे वजूद की आंखों में ऐसा थ्रेट था कि वो वहां से एक कदम भी हिल नहीं पाई। नाउ इट इज, अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी होगा।
लेकिन मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझे ये सब बताओ। वो गुस्से से लाल पीली हुई। आज बुध है, तुम पूरा एक हफ्ता मेरे पास विजिट के लिए आओगी, जुमेरात तक। जब तक तुम जुमे को ग्रेजुएट हो रही हो, चलो वो दिन तुम्हें बख्श दिया, बाकी हर रोज आना होगा। वो उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बोला, क्या क्यों हरगिज नहीं। उससे जल्दी से अपना बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। कहीं मत जाओ, मैं जानता हूं तुम किधर रहती हो, किसके साथ रहती हो, तुम्हारी दोस्त हैं सब कुछ। उसके अल्फाज पर उसके चलते कदमों को ब्रेक लगा और उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता लड़से लगा। उससे मुश्किल से पलटकर उसकी जानिब देखा, शायद वो झूठ बोल रहा हो, मगर वो बगैर पलके झपके अपनी गोल्डन ब्लूइश आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम क्या जानते हो? तुम यतीमखाने में रहती हो, वहाँ तुम्हारा रूम नंबर 28 है। तुम्हारी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हानिया और लारेब। तुम्हारे अंकल यहाँ के इंचार्ज हैं, जो अपनी फैमिली के साथ गुलबर्ग में रहते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स। शट अप, मुझे समझ आ गया तुम जानते हो। वो टूटे फूटे अल्फाज से बेबसी से बोली, तो कैसे? कुछ लम्हे बाद वो नम आंखों से बोली, जैसा मैंने पहले ही बताया था, मेरे अपने सोर्सेस हैं। जो मैं कह रहा हूँ अगर तुम वो करो तो ट्रस्ट मी, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अल्फाज पर उसकी आंखों से आंसू तेजी से उसके गाल पर होने लगे। ओके, हम कल मिलते हैं, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन, वगैरह वगैरह। उसे सुकून से आंख मारता हुआ बोला, प्लीज जुमेरात के बाद तुम मुझे भूल जाना, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो लरस से लबू से बोली, जबकि वो खाली आंखों से उसकी जानी देखने लगा। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, फिर कपकपाते वजूद के साथ दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। वापस यतीम खाने के करीब पहुंचकर उससे खुद को अच्छे से संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त से मशकूक हूँ और वो उन्हें सच बताकर अपने साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल दे। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर वो अपने कमरे में गई। कमरे में दाखिल होते ही लारेब और हानिया ने उससे खेल लिया और इंटरव्यू के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवाल करने लगी, जिस पर उससे कहा कि बहुत अच्छा गया है। फिर उन तीनों ने मिलकर खाना खाया, कुछ देर गपशप की और फिर सोने के लिए लेट गई। अपने बिस्तर पर लेटते ही ये की आंखें रवानी से बरसने लगीं। वो जो तब से खुद को मजबूत साबित कर रही थी, तन्हाई मिलते ही अपनी तकलीफ से राहत आंसुओं की शक्ल में पाने लगी। सारी रात उसकी तड़पते और करवटें बदलते हुए गुजरी। 3 बजे के करीब भी जब उसे नींद नहीं आई, वो थक हार कर विंडो के सामने जाकर खड़ी हो गई जो सड़क की जानिब खुलती थी। व्हाट द हेल, जैसे ही उसकी नज़र रोड पर पड़ी, होफ से उसके मुँह से ये अल्फाज निकले, क्योंकि वहाँ एक वजूद खड़ा था जो काफ़ी लंबा चौड़ा था। उससे ब्लैक रंग का ड्रेस और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ही लॉन्ग कोट पहना हुआ था, उसके पैर को छू रहा था, जबकि उसके सर पर कैप मौजूद थी। तभी उस शख्स ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसका पूरा वजूद कपकपाने लगा। या अल्लाह, वो जल्दी से खिड़की से पीछे होकर लंबे लंबे सांसें लेगी। इसका मतलब है उसने मेरे पीछे अपने आदमी को लगा रखा है जो मुझ पर नज़र रखे हुए है कि मैं एक गलती करूँ और मुझे बगैर हिचकिचाए मार दे। वो बेबसी से रोते हुए सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने वापसी से थोड़ा सा पर्दा सिरका कर नीचे देखा, लेकिन अब वहाँ उस शख्स का ना वो निशान भी मौजूद नहीं था। सारी रात उसने जाकर गुजारी। सुबह होते ही उसने शॉवर लिया, कपड़े बदले और खाना खाकर यूनि पहुंची ताकि अपना इंटरव्यू जमा करवा सके। वहाँ से फारिग होकर उससे कैब ली और सेंट्रल जेल बर्नेडो से उसकी जानने वाली बनकर मिलने चली गई। इस बार उससे एहतियात की कि उसके अंकल और उनके गार्ड्स को पता ना चले कि वो उससे मिलने आई है। टीम ने वहाँ जाकर ऑफिसर से कहा कि वो बर्नेडो से मिलने आई है जो कि बर्नेडो को हैंडल करता था। उस ऑफिसर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। क्या तुम उसे जानती हो? ऑफिसर ने अपनी भारी आवाज़ से पूछा। जी। वो तुम्हारा क्या लगता है? ऑफिसर ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। ओ फ्रेंड। फ्रेंड? ऑफिसर ने हैरानगी से वापस से हीर का कहा लफ्ज़ सुनाया। क्या तुम उससे मिलने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो? मैं नहीं जानती। ओके, वेट करो। ये कहकर ऑफिसर ने टेबल पर पड़ा हुआ बड़ा सर जिससे उठाया और वहाँ से कुछ तलाशें लगा। कुछ देर बाद उसे सर उठाकर मशकूक नसों से हीर को सर तपाऊँ देखा, जिस पर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मगर उससे अपने चेहरे पर कोई जज्बा जाहिर नहीं किया। तुम वाहिद हो जिसका नाम उससे मिलने वालों की लिस्ट में शामिल है? रियली? उसे झटके से पूछा, क्योंकि वह हैरतज़दा थी उसका नाम कैसे डल गया लिस्ट में। ऑफ कोर्स ही कैन डू एनीथिंग, वो खुद से बड़बड़ा कर रह गई। ओके, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जिस पर हीर ने उसे अपना आईडी कार्ड दी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो उस तक पहुंच गई। और फिर ऐसे ही पूरा एक हफ्ता वो उसके पास आती रही। इस दौरान वो ग्रेजुएट भी हो गई, मगर उसकी खुशी भी उसे महसूस नहीं हुई।
क्योंकि उसके सर पर तो अभी भी मौत की तलवार लटक रही थी। वो रोज़ाना उसके पास जाती और क्लास की दूसरी जानिब से उसे देखती। इस दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पूरे 15 मिनट वो वहाँ बैठकर दीवारों को देखती रहती। आज जुमेरात था, यानी उसका आखिरी दिन। इस एरिया में दाखिल होते ही हीर ने उसकी जानिब का फ़ोन उठाकर नंबर डायल किया और क्लास के उस तरफ बैठे फोर्नेडो को इशारा किया कि वो फ़ोन उठाए, जो वो उठा चुका था। आज हमारी मुलाकात का आखिरी दिन है, मुझे उम्मीद है तुम ये बात जानते हो। जानता हूँ। सुकून भरी उसकी आवाज़ सिर के कानों से टकराई। अच्छी बात है, मैं नहीं जानती तुमने ये सब क्यों किया। आखिर मुझे पूरा हफ्ता यहाँ मिलने को क्यों बुलाया। व्हाटएवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो कहा हो गया, अब तुम मेरी और मेरी प्यारों की ज़िंदगी से निकल जाओ। और हाँ, आखिरी बात, अजीबोगरीब नमूनों को मेरी बिल्डिंग के पास खड़ा करना बंद करो, समझ आया। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली, जबकि वो क्लास से खाली नसों से उसकी जानिब देखने लगा, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। आज से तुम फारिग हो। उसके अल्फाज पर हीर की आंखें हैरत से फैली। क्या तुम सच बोल रहे हो? वो भी यकीनी से पूछने लगी। हाँ। ओह मेरे खुदा, फाइनली। मुझे उम्मीद है हमारे रास्ते अब वापस से कभी नहीं टकराएंगे। उससे खुशी से चहकते हुए कॉल बंद कर दी और फिर अपना बैग उठाकर वहां से तेजी से निकल गई। सारा रास्ता एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं, उसे सेंट्रल जेल से निकलकर खुद को कहा और कैब लेकर अपने ऑर्फनेज में पहुँच गई। दोपहर में वो तीनों शॉपिंग पर चली गई। हीर को बहुत दिनों बाद एहसास हुआ कि वो वापस से नॉर्मल लाइफ जी रही है। फाइनली हीर की मुस्कुराहट लौट आई। हानी ने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जो स्टूल पर बैठ कर सैंडल ट्राई कर रही थी। वेरी फनी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे पहले गायब हो गई थी। वो सैंडल पैक करवाते हुए बोली, कसम से ऐसा ही लगता था कहीं रौनक हो गई है। पता नहीं उस डार्क हैंडसम बर्नाडो ने क्या जादू किया था कि ये मैडम हमें मुंह से ही नहीं लगा रही थी। लारेब ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, जबकि बर्नाडो के सिकर पर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। हानी ने लारेब को जोर से चुटकी काटी। हीर ये कुछ भी बकवास करती है, आओ पिज्जा खाएं, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे नाच रहे हैं। वो उसे खींचती हुई फूड पॉइंट पर ले गई। हीर, कोई परेशानी है तो बताओ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पता है ना, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। लारेब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं सीरियसली कुछ नहीं है, पता है ना, हम तीनों का फ्यूचर हमारी स्टडी पर है, बस उसी की टेंशन थी, क्या करें कैसे करें, बस यही। ओह मेरी जान, इतना फिक्र मत करो, हम तीनों जॉब स्टार्ट करेंगी, कर एक अपार्टमेंट रेंट पर लेंगी, फिर बस ऐश करती हैं, चोरों को गोली मारो, बस हम तीनों साथ होंगी, कभी नहीं बिछड़ेंगे। हनी ने उससे आंख मारते हुए कहा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे इन दोनों से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर चलती मजीद बातें अफसरदा माहौल को कहकों में बदल गई। मेरी ज़िंदगी की रौनक मेरी दोस्त से हैं, वो उनके मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए खुद से बोली। और एक ज़िंदगी पहले ही बोर है, ऊपर से तुम दोनों उठ नहीं रही। हानिया ने उन दोनों को बारी बारी हिलाते हुए चिड़कर कहा, उठ जाओ तमीज़ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब उन दोनों को टस से मस होते नहीं देखा तो वो मजीद बोली, ओके ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, उससे अपना सेल पकड़ा, उसे बूफर के साथ कनेक्ट करके ये सॉन्ग प्ले कर दिया। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। ये लिरिक्स रूम में फुल वॉल्यूम में गूंजने लगी, जिस पर लारेब और हीर दोनों ही हड़बड़ा कर उठ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी वार्डन आएगी और बेइज्जती करेगी, हीर ने उसे घूरते हुए कहा, जो डांस करने में मसरूफ़ थी। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। बंद करने के बजाय उससे हीर का चेहरा पकड़कर साथ साथ लिरिक्स बोले, तुम पागल हो गई हो, वार्डन आकर नशा निकाल देगी, बंद करो, क्या चाहती हो तुम। लारेब ने उठकर बंद करना चाहा, मगर हानिया ने उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोक दिया। चुप चुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। वो उसे कमर से पकड़कर कमरे में झूमते हुए गुनगुनाने लगी। इसी दौरान हीर ने उठकर जल्दी से सॉन्ग बंद कर दिया तो कमरे में सुकून भरी खामोशी छा गई। क्यों बंद कर दिया? वो लारेब को पीछे करके मुँह बसोड़ते हुए हीर से पूछने लगी। इस फजूल सॉन्ग के लिए मैं वार्डन से अपनी इंसल्ट होती हुई हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता नहीं क्या सोचकर हार्डी ने ये सॉन्ग बनाया था। उसी छोटे हुए बोली, चलो उससे कुछ भी सोचकर लिखा हो मगर मेरा तो फायदा हुआ। हानिया उन दोनों की जानिब इशारा करके आंख मारते हुए बोली, जो अपने बिस्तर से निकलकर उसे ही देख रही थी। हाँ तुम्हें तो हम बताते, हीर ने लारेब को इशारा किया तो वो समझते हुए हानिया को अपनी बाजुओं में पकड़कर
जबकि हीर ने भी पास आकर उससे गुदगुदी स्टार्ट कर दी, जिस पर वो लोटपोट होकर हंसने लगी। बस कर दो, सॉरी प्लीज। हानिया अपनी हंसी के दौरान बामुश्किल बोल पाई। उन दोनों ने भी रहम खाकर उसे छोड़ दिया। आइंदा बेटा, पंगा लेने से पहले ये याद रखना, तारीफ ने खड़े होकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, जबकि वो ना में सर हिलाकर रह गई। अब उठ गई हैं हम दोनों, क्या चाहती हो हमसे? फ्रेश होकर नाश्ता करो, फिर कोई मूवी देखते हैं, उसके सवाल पर हानिया पुरसकून सी बोली। तो वो उसे घूर कर रह गई। मैं क्या सोच रही हूँ, मूवी देखने से पहले लाइव न्यूज़ सुन लें। तारीफ के मशवरे पर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। वीर ने लाइव न्यूज़ चैनल चला दिया तो तीनों दिलसुस से खबरें सुनने लगी। ब्रेकिंग न्यूज़, इटालियन माफिया बर्नेडो सेंट्रल जेल लाहौर से फरार होने में कामयाब। व्हाट? उसी लाइन पर उन तीनों के मुंह से प्यास सा निकला। रिपोर्ट ये है कि बर्नेडो की जेल शाम 7 बजे खुली हुई मिली। किसी ने भी उसे जेल से निकलते या वहां से भागते हुए नहीं देखा। उसकी जेल में एक सुराख मिला है जो एक मिस्ट्री है। वो इंतहाई खतरनाक मुजरिम है, इसलिए सब शहरियों से इल्तजा है कि वो अपने घरों में बंद रहें ताकि किसी को जानी खतरा पेश आना आए। वहाँ मौजूद लोगों को सिर्फ एक इंसान पर शक है। उनको लगता है कि उसका ताल्लुक उसके साथ हो सकता है। उसकी ये रही तस्वीर। तभी स्क्रीन पर एक पिक्चर नुमादार हुई। वो तस्वीर देखकर हीर को सांस लेना मुश्किल होने लगा, क्योंकि ये उसकी तस्वीर थी। लारेब और हानिया हैरत से मुंह खोले उसकी जाने देखने लगी, जो मुसलसल नामे सारे लाते हुए रोने में मसरूफ थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो टूटे फूटे लहजे में शिद्दत से रोते हुए बोली। जराय का कहना है कि इसका नाम हीर है और ये वो वाही लड़की है जो बर्नेडो से उसके फरार होने से पहले मिली, और ये एक स्टूडेंट है। बाकी अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं। नहीं नहीं, वो हलक के बल चिल्लाए तो हानिया ने उसे अपने सीने में भींच लिया। ये सब क्या है हीर, हमें बताओ क्या हुआ है? तारीब ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़, पुलिस से पता चलवा लिया है कि हीर का ताल्लुक यतीम खाने से है। वो उसको अरेस्ट करने के लिए उस जाने रवाना हो चुकी है। ये लड़की खतरनाक हो सकती है, सब इससे एहतियात करें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, वो उन दोनों के दरमियान में से उठकर चिल्लाई और साथ ही वो अपने कमरे से बाहर की जानी भागी, ताकि वो पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल जाए। मगर पुलिस पहले से ही बाहर आ चुकी थी। पूरे यतीम खाने में एक अलग सा शोर बरपा था, जबकि हवा में एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडला रहा था। हीर, खुद को सरेंडर कर दो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा, ऑफिसर की स्पीकर से हुक्मिया आवाज़ उसके कानों से टकराई। इस आवाज़ पर उसका चेहरा पीला सर्द पड़ा और उसके पाँव अपने कमरे के दरवाजे में ही दमे, जबकि उसका वजूद खोले खोले लरसने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, उसे दरवाजे को पकड़कर खुद को गिरने से हरा दिया। जबकि लारेब और हानिया ने आकर उसे एक साथ अपने गले से लगाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मत रो, उसे सकते हुए बोलने लगी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और दो ऑफिसर रूम में दाखिल हुए। अपने हाथ सर के पीछे करो, उन्होंने ज़बरदस्ती लारेब और हानिया को उससे अलग करके उसके माथे पर बंदूक का निशाना बांधते हुए हुक्म दिया। एक और पुलिस वूमेन ने कमरे में दाखिल होकर उसके हाथों को पीछे ले जाकर हथकड़ी बांध दी और वो उसे खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। प्लीज ऑफिसर, वो मासूम है, बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, लारेब भी सीढ़ियों से नीचे उनके पीछे भागती हुई चिल्लाने लगी। सर, आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं किया, हानिया ने उनके सामने आकर रास्ता रोककर शिद्दत से रोते हुए कहा। आप पीछे हटिए, पुलिस के काम में बंदिश ना डालिए, एक ऑफिसर ने उसे पीछे करते हुए कहा। लेकिन फिर भी वो उसने अपना आप छुड़ाकर हीर के गले लग गई। किसी बेकसूर को सजा दोगे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, तारे ने भी हीर को खुद की बाहों में छुपाकर बेबसी से सिख सकते हुए कहा। ये बेकसूर नहीं, गुनाहगार है, माफिया से ताल्लुक है इसका, अब पीछे हटो, ऑफिसर ने उन दोनों को तहमुल से कहा जो उससे चिपकी हुई थी। मगर वो नज़रअंदाज करती हीर का मुँह सर चूमने लगी, जो मोहब्बत और बेबसी से रोते हुए उन दोनों को देख रही थी। गार्ड्स, उससे उनकी जानिब इशारा किया तो वो करीब आकर ज़बरदस्ती उन तीनों को अलहदा करने लगे। काफ़ी मुश्किल के बाद जब वो कामयाब हो गए तो वो जल्दी से हीर को लेकर बिल्डिंग के मेन दरवाजे की जानी भर गए। हीर ने दरवाजे के करीब जाकर पलट कर देखा तो उसका दिल अपने दोस्तों की हालत देखकर फटने वाला हो गया, जिन्हें कुछ पुलिस वाले ज़बरदस्ती पकड़कर उस तक पहुँचने से रोके हुए थे। मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ हमने जो ख्वाब देखे थे वो तुम लोग लाजमी पूरे करना, प्लीज़ खुश रहना, वो बेकरारी से बोली। तभी ऑफिसर उससे बाहर ले गए, जहाँ लोगों का हुजूम था। कुछ लोग उसकी मूवी बना रहे थे और कुछ खौफ से उसे देख रहे थे।
जैसे वो सचमुच कोई दहशतगर्द हो, जबकि हेलीकॉप्टर का शोर भी बिल्डिंग के ऊपर नुमाया था। ऑफिसर ने उसे बाजू से खींचकर पुलिस कार में बिठाया। इसे पहले हेडक्वार्टर में ले जाओ, कुछ सवालों के जवाब आज चाहिए। बर्नेडो अभी यहाँ ही होगा, ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। हेड ऑफिसर ने गाड़ी चलाने वाले ऑफिसर से कहा। ऑफिसर ने फरमाबरदारी से जवाब दिया। वीर को लगा आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सारा रास्ता वो खामोशी से आंसू बहाती रही, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उससे सिर्फ ये महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी ज़िंदगी गुजर कर चला गया हो और वो बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। काफ़ी देर बाद अचानक से गाड़ी रुक गई तो वो सर झुकाए हुए ऑफिसर का इंतज़ार करने लगी कि वो आए और उसे गाड़ी से बाहर निकाले। तभी दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलो, दो टोक लहजे में कहा गया तो उसे सर उठाकर उसकी जानी देखा, जिसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और उसकी आंखों में ब्लैक ग्लासेस मौजूद थे। ईर को वो अजीब लगा, मगर वो उसकी बात को मानते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। जहाँ से वीरानी और तारीखी थी, कोई हेडक्वार्टर या जेल मौजूद नहीं था। वहाँ जो हल्की फुल्की रोशनी हो रही थी वो सिर्फ कार की लाइट की वजह से थी। वो उसकी जानी पड़ा तो उसके हर कदम के साथ ईर के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। करीब आकर उसने हथकड़ियाँ खोल दी, फिर वो पीछे हटा और अपने ग्लासेस उतारकर दाढ़ी मूछ निकालने लगा, जबकि वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े वजूद को देखने लगी। पुलिस यूनिफॉर्म में पूरी शान और शौकत के साथ उसके सामने खड़ा वजूद कोई और नहीं बल्कि बर्नेडो था। फिर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले और क्या नहीं, क्योंकि अचानक से लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन उसका बस हाथ उठा वो बर्नेडो के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और जिस हाथ से उसने उसे थप्पड़ मारा था वो पकड़कर उसकी पूछ की जानब ले गया, जिसकी वजह से वो उसके सीने से अटक रही। वो अपनी सुर्ख होती गोल्डन ब्लूइश आंखों से उसकी डार्क ब्राउन आंखों में दिखने लगा, जो गुस्से से बगैर बल्कि चपकाए उसे ही देख रही थी। आज हाथ उठाया है, आइंदा ये गलती ना करना, वो उसके बाजू पर दबाव बढ़ाता हुआ इश्तहाल से बोला। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और कह रहे हो ये गलती ना करना, मेरा पस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। वो आग बकोला होती हुई फंकारी और अपने दूसरे हाथ से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, जो फारिक था। बर्नेडो उसका वो हाथ पकड़कर भी उसकी पुश पर ले गया, जिसकी वजह से उन दोनों के चेहरों के दरमियान ना होने के बराबर फासला था। एक पल को तो लगा वो सांस लेने के लिए भी एक या हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। छोड़ो मुझे, वो उसके पाँव पर पाँव मारते हुए चीखी। चुड़ैलों की तरह चीखना बंद करो। वो उसे झटके से खुद से दूर करते हुए फंकारा, जिसकी वजह से खुद को बैलेंस नहीं कर पाई और ज़मीन पर जा गिरी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल चूमने लगे। उस बेरहम के सामने वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसुओं पर किसका काबू होता है। जबकि वो नज़रअंदाज करता अंधेरे को देखने लगा। क्यों, वो हिचकियों के दरमियान बोलने लगी, आखिर क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ एक इंटरव्यू लेना, तुमने जानबूझकर मेरे लिए ये चाल बिछाया, क्यों किया? वो सिसकते हुए पूछने लगी। मैंने कोई चाल नहीं बचाया, सतमहरी से बोला। शत द हेल अप, तुमने किया है, वरना तुम मुझे वहां क्यों पूरा एक हफ्ता बुलवाते रहे? न रोना भूलकर गुस्से से चिल्लाई। वो जमीन पर झुककर उसकी थोड़ी अपने हाथ में दबोच गया। तमीज से बात करो, वरना इसी जगह पर कब्र खोद के तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। उसने उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए फोन किया। वीर ने बेयकीन से उसकी जाने देखा, जो सुलगती निगाहों से उसे ही देख रहा था, जबकि उसके दिल की धड़कनें खौफ से बेकाबू होने लगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओगे? अब के हीर ने थोड़ा तामूल से पूछा, क्योंकि उसका इरादा इस तारीख रात में सुनसान रास्ते पर अंधेरी कब्र में दफन होने का तो हरगिज नहीं था। नहीं बता रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वो जमीन से उठते हुए पुरसुकून लहजे में बोला, जिस पर वो उसे नम आंखों से घूर कर रह गई। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, प्लीज जाकर पुलिस को सच बता दो, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना तो कर सकते हो ना, क्योंकि मेरा सारी जिंदगी जेल में रहने का कोई शौक नहीं। वो दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज दबाकर बोली। किसी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें मेरे होते हुए गिरफ्तार कर ले जाए। है, गाड़ी आती ही होगी, आज रात हम दोनों को मुसलसल सफर करना है। उसके अल्फाज पर हीर ने झटके से उसकी जानी वैसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो। क्या मतलब, हम दोनों? हम दोनों मतलब तुम और मैं, या फिर तुम सेंट्रल जेल में जाकर मेरी वाली जगह संभालना चाहती हो? शक्ल से इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती, वो तनसे लहजे में बोला। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, वो जमीन से उठकर उसकी आंखों में देखते हुए सुलगते लहजे में बोली। फाइन, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही बोल रही थी तुम्हें जेल जाने का शौक नहीं, तो मैंने बस सोचा तुम्हें आज़ादी की जिंदगी दे दूं।
अब तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे इल्म के लिए बता दूं, तुम्हारी तहकीक होते होते और फिर कोर्ट कचहरी के चक्करों में आधी जिंदगी गुजर जानी, और मुझे शक है इस सब के आखिर में भी तुम्हें मासूम करार दिया जाएगा। वो कहकर उससे करीब हुआ, जो फटी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी, क्योंकि ये सच था कि वो जिस जुर्म में फंसी थी उसमें उसकी रिहाई बहुत मुश्किल थी। गुड बाय मिस हीर पोलार्ड, वो उसके बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोला, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके उसके मुकम्मल नाम से पुकारा था। वो ट्रांस में उसे खुद से दूर जाता हुआ देखने लगी। ये मेरा पूरा नाम जानता है, वो होश में आती हुई बोली। इतना बदतमीज पत्थर दिल इंसान है, कैसे मेरी जिंदगी की धज्जियाँ उड़ाकर सुकून से चलता जा रहा है। उसे दूर जाता हुआ देखती खुद से बड़बड़ाई थी। तभी उसकी नज़र पुलिस की कार पर पड़ी तो उसका पूरा वजूद खौफ से कपकपाया। नहीं, मैं कैदियों की तरह अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरा माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता, उसे लरसी आवाज से कहा। तो उसकी आंखें वापस से पानी से भरने लगी। वो बगैर कुछ मजीद सोचे समझे उसके पीछे अंधाधुंध भागी। सुनो, रुको, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, वो जिस समेत गया था उसके पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी। रुक जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज। वो जानती थी वो जिस रास्ते पर जा रही है वो उसे सिर्फ मौत तक लेकर जाएगा, मगर उसके पास कोई च्वाइस नहीं थी, क्योंकि दोनों रास्तों पर मौत थी। अगर वो जेल में जाती तो मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ाती, जबकि बर्नैडो की जानिब कदम उससे अगले 24 घंटों में मौत का मजा चखा सकते थे, लेकिन इस पल उसे आहिस्ता से ज़्यादा जल मौत बेहतर लगी। फाइन, उसकी रोबदार आवाज़ उसके कानों से टकराई तो खुद को अल्लाह के सपोर्ट करके उसकी आवाज़ की जानिब चल पड़ी। हम लोग जो पुलिस की कार पीछे छोड़कर आए हैं उसका क्या? काफ़ी देर वीरान सड़कों पर तंग गलियों में चलते हुए वो थक गई तो उससे पूछने लगी। शायद बातों में सफ़र जल्दी गुजरे, मगर वो बगैर जवाब दिए अपने मोबाइल की रोशनी से गली में उसके साथ चलता रहा तो हीर को घबराहट होने लगी। हम लोग किधर जा रहे हैं, मैं किसी अजनबी पर कैसे भरोसा करके चल सकती हूँ? वो एकदम से सोचते हुए रुक गई। मैं यहीं पर ठहरूंगी, वो अपने लफ्जों पर जोर देती हुई बोली तो पलट कर नासमझी से उसकी जानिब देखने लगा। क्या? उससे गहरी हुक्मिया आवाज उसकी समातों से टकराई। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ कहीं नहीं जा रही, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानती कि हम लोग जा किधर रहे हैं। वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई कि बर्नैडो ने उसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और साथ अपनी जेब से पिस्तल निकालकर उसके माथे का निशाना बांध दिया, जिस पर उसके मुंह से शौक से चीख निकल गई। तुम मेरे पीछे आई अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, बेशक तुम्हें पसंद आए या नहीं, वरना मैं तुम्हारा सर कोली से उड़ा दूंगा। उससे उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए फोन किया, जो भीगने को बेताब थी। ईद की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी तो उसकी जरा भी जरूरत नहीं हुई कि वो इनकार कर सके। समझ आया या नहीं, उससे उसी कनपट्टी पर पिस्टल की नोक लगाते हुए पूछा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी खौफ से सर हाँ में हिला गई तो वो उसे बाजू से खींचता हुआ मजीद तारीख गली में ले जाने लगा। वो सिर्फ उसके सहारे चलने लगी क्योंकि उसका वजूद अभी भी हल्का हल्का कपकपा रहा था। उससे उसे सहारा नहीं दिया होता तो अब तक जमीन बोस हो चुकी होती। गली खत्म होने के बाद वो लोग एक सड़क की जानिब चल पड़े जहाँ सामने से गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर वो रुक गया तो हीर भी उसी जगह खड़ी होकर परेशानी से उसे देखने लगी। जब गाड़ी करीब आकर उनके पास रुकी तो उसके अंदर से निकलने वाले आदमी को देखकर उसका मुंह खुल गया, क्योंकि ये वही शख्स था जो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और आज भी वो ब्लैक रंग के ही लिबास में था। तुम अपने कहे के मुताबिक निकल आए हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस बार जो रास्ता तुमने चुना वो आसान नहीं था, मुश्किल हो सकती है? उस आदमी की आवाज़ से हवा में इरताज पैदा किया, साथ ही एक ब्रीफ केस उसकी जानी बढ़ाया। तुम जानते हो आसान रास्ता लेना मेरी आदत नहीं और हार जाना मेरी फितरत में शामिल नहीं, वो सुकून से कहकर ब्रीफ केस थाम गया। खुद पर इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है, अपने मुखालिफ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कब कैसे काया पलट जाए पता नहीं चलता। हीर ने खुद को कंपोज करके उसके जाने देखते हुए टोटोक लहजे में कहा, जिस पर वो उसे पासों से पकड़कर गाड़ी के साथ लगा गया। मैं अपने मुखालिफ को कभी कमजोर नहीं समझता, क्योंकि अगर मुखालिफ कमजोर होगा तो जीतने में मजा नहीं आएगा, वो पिस्टल की नोक को उसके चेहरे की साइड पर टच करते हुए बोलने लगा, जबकि वो सांस रोके उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी जो हर जज्बात से आली थी। मुखालिफ को बहादुर और बाहिम्मत होना चाहिए ताकि उसे धीरे धीरे तोड़ने में लुत्फ आए।
उसने उसके कान में सरगोशी नुमा कहा। वीर की धड़कने होश से बेतरतीब होने लगी। तभी उसने एक हाथ उसी कमर के पीछे से ले जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे गाड़ी के अंदर फेंक दिया। कुछ पल तो हीर को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ तब तक गाड़ी का दरवाजा वापस लॉक हो चुका था। मुझे बाहर निकालो, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो दरवाजे के ऊपर पंच मारती हुई बोली। मगर वो नजरअंदाज करता उस आदमी से बातें करने लगा जो गाड़ी लेकर आया था। वो लोग इटालियन बोल रहे थे, इससे हीर को कुछ पता नहीं चल रहा था वो क्या बातचीत कर रही है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुम ये नहीं कर सकते, वो गुस्से से चिल्लाई। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जब मैं कह रहा था तुम्हारी खोपड़ी गोली से उड़ा दूंगा वो मजाक नहीं था, वो उसे वार्न करता हुआ बोला तो उससे अपना थूक निकला। ओके, मगर वो जो बाहर खतरनाक आदमी खड़ा है वो क्या सारी रात यहाँ ही रहेगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, हीर ने अपना खौफ दबाते हुए तजस्सुस से पूछा। शट अप, वो सर्द लहजे में बोला। साथ ही गाड़ी वहां से भगा ले गया। हीर ने खिड़की से बाहर सर निकालकर उस आदमी को देखना चाहा, मगर वो धुएं की तरह वहां से गायब हो चुका। अब उसको क्या आसमान निकल गया या धरती खा गई, वो लपचपाते हुए वापस से गाड़ी में सीधी होकर बैठती हुई खुद से बड़बड़ाई। हम कहाँ जा रहे हैं, उसका दिल रोने को चाह रहा था, मगर वो इस बेहिस आदमी की वजह से अपने आंसू हर किस मजीद ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तुमने एक मजीद लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा, वो उसकी जानेब देखते हुए सफाकी से बोला। तो वो अपनी कुर्सी के साथ सिमट कर बैठ गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम होने लगीं। उसके बाद उससे कोई सवाल नहीं पूछा, वो बस इतना जानती थी कि वो लोग लाहौर से काफ़ी दूर निकलते जा रहे हैं।